हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, वन स्ट्रैंडेड बस एंड अ पॉन्ड। ये लॉन्गमैन का बुक का है, न्यू इमेजेस नेक्स्ट का, ट्रेवल एंड टूरिज्म पर बेस्ड है ये, वन स्ट्रैंडेड बस एंड अ पॉन्ड। बहुत ही सुंदर है ये स्टोरी। स्ट्रैंडेड बस मतलब एक फंसा हुआ बस और एक तालाब, इसका एक स्टोरी है जो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने अपना एक घटना को बताया है, क्या हुआ है, क्या उन्होंने देखा है, वही इस स्टोरी में बताया गया है, एक स्ट्रैंडेड बस और एक पॉन्ड के बारे में। आप लोग चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। हम लोग शुरू करते हैं। लेट अस रीड अबाउट अ यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस इन अलास्का। ये जो एक्सपीरियंस है, ये ट्रैवल एक्सपीरियंस जो ये अलास्का का है। राइटर कह रहा है, आई हैव बीन हियर अ वीक एंड हैवंट सीन एनीथिंग। मैं एक हफ्ते से यहाँ हूँ और कुछ भी देखा नहीं है। आई रिमेंबर द लुक ऑन द फेस ऑफ द मैन हु टोल्ड मी दिस। एक आदमी ने, मतलब राइटर कह रहा है, एक आदमी ने ये अबव लाइन जो है, ये लाइन कहा कि आई हैव बीन हेयर अ वीक एंड आई हैवंट सीन एनीथिंग। मैं यहाँ एक सप्ताह से हूँ और मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा है। तो ये एक आदमी कह रहा है जिसके फेस पर बहुत टेंशन दिख रहा है, ठीक है। आई रिमेंबर द लुक ऑन द फेस of the man who told me this, ये writer कह रहा है। The sad expression of someone who had worked, probably raised a family, doted on his grandchildren and now had come to Alaska on a 2-week package tour hoping for a change। एक ऐसे आदमी के बारे में writer बताना चाह रहा है जिसके चेहरे पर बहुत sadness है और जिसने अपने family को आगे बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन को रेज करने के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किया और आज वो एक टूर पे है, 2-week पैकेज टूर पे है अलास्का में, और वो चाहता है, वो मतलब कुछ चेंज चाहता है अपने लाइफ में, इसलिए वो टूर पे निकला है। ही हैड सेल्ड ऑन अ क्रूज शिप इन टू द फ्योर्ड्स ऑफ द कोस्ट एंड देन फ्लोन ओवर द एपिक कोस्टल माउंटेन्स। ये फ्योर्ड्स, इसको ये फ्योर्ड्स प्रोनंसिएस करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब है लॉन्ग नैरो वी शेप्ड पैसेज बिटवीन माउंटेन्स। माउंटेन के बीच में से ऐसा वी करके रास्ता रहेगा, वी शेप्ड, ठीक है, फ्योर्ड्स उसको बोलते हैं। तो इन सब जगह से वो क्रूज शिप से आ रहा था, ठीक है, वो शिप से आ रहा था और इस तरह के रास्ते से गुजर करके आ रहा था, समुद्र का किनारा होकर के, माउंटेन्स होकर के, ठीक है। ही बोर्डेड अ ट्रेन एंड रोड थ्रू वाइल्डरनेस। और उसने ट्रेन भी यूज़ किया और जंगलों से भी गुजरा। एंड नाउ स्टूड रेडी टू स्टेप इनटू अ बस एंड इंटर डिनाली नेशनल पार्क। और अब वो बस में चढ़ने को तैयार है और डिनाली नेशनल पार्क की ओर इंटर करने वाला है। येट द मैन वॉज नॉट हैप्पी। अभी तक वो इंसान खुश नहीं था। ये हमारे राइटर बोल रहे हैं कि वो जो आदमी था जो टूर पे निकला था, जिसने अपने फैमिली को रेज किया, आगे बढ़ाया, उसके चेहरे पे चिंता था उसके चेहरे पे, सैड था वो, अभी तक वो खुश नहीं था। ट्रेन का जर्नी कर लिया, क्रूज शिप का जर्नी कर लिया, बस पे चढ़ने वाला है, नेशनल पार्क की ओर पहुँचने वाला, फिर भी खुश नहीं है। एक्चुअली ही हैड सीन प्लेंटी। एक्चुअली वो बहुत कुछ देख चुका था अपने लाइफ में। फैंसी बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स का मतलब आपको पता होगा, जिसे हम लोग हिंदी में दूरबीन बोलते हैं, जिससे हम लोग देखते हैं तो दूर का चीज़ नज़दीक दिखता है। फैंसी बाइनोकुलर्स डैंगल्ड अराउंड हिज नेक टू हेल्प हिम। उसके गले में बाइनोकुलर्स लटका हुआ था। वॉट ही मीन टू से आई थिंक वॉज दैट ही हैड एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड नथिंग न्यू। तो राइटर कहना चाह रहा है कि उसको इतना एक्सपीरियंस था कि अभी तक वो जो ट्रैवल किया उसमें कुछ उसको नया नहीं देखने को मिला, शायद इसलिए उसको मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए वो सैड बैठा हुआ है।
वो जो इंसान है उसको कुछ नया नहीं मिला, उसको एक्सपीरियंस बहुत होगा घूमने का, इसलिए अभी तक उसको कुछ नया नहीं मिला होगा। द लैंडस्केप ऑलरेडी वॉज फैमिलियर टू हिम फ्रॉम टीवी और ही हैड सीन इट ऑन द टूरिस्ट वीडियोज। वो जो लैंडस्केप, वो जो सीन था रास्ते में, जो भी कुछ था, वो शायद वो टीवी पे देखा होगा या फिर टूरिस्ट वीडियोस में देख चुका होगा। इन केस ही फॉरगॉट, अगर वो भूल भी गया होगा, द पर्की टूर गाइड हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अगेन बाय लाउड स्पीकर। तो टूर के साथ आपको पता ही होगा कि एक टूर गाइड होता है जो बीच बीच में अनाउंस करता रहता है कि अभी ये नेशनल पार्क आने वाला है, अभी फिल्म सिटी आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, ठीक है। तो अगर इनकेस वो इंसान ये सब भूल भी गया होगा अपने लाइफ में, मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद, तो भी ये टूर गाइड है ना, ये तो चिल्ला करके वो बताता ही है सब कुछ कि अभी क्या आने वाला है, तो भी उसको पता चल जाएगा। अराउंड द नेक्स्ट बेंड विल बी कमिंग ऑन सो एंड सो, जैसे इस तरह से बोलता, अराउंड द नेक्स्ट बेंड वी विल बी कमिंग ऑन, समझ लो वी विल बी कमिंग ऑन नेशनल पार्क, ऐसा करके वो टूर गाइड बोलते रहता है। आई सून लर्न दैट द मैन वॉज नॉट अलोन इन सेंसिंग समथिंग मिसिंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स। आई सून लर्न दैट द मैन वॉज नॉट अलोन इन सेंसिंग समथिंग मिसिंग फ्रॉम हिज ट्रेवल। मतलब बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया, राइटर कह रहा है, बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया कि वो जो आदमी था वो अकेला नहीं था, ठीक है, ये सब मिस करने में, सेंसिंग समथिंग मिसिंग फ्रॉम हिज ट्रैवल, मतलब ट्रैवल में कुछ मिसिंग है ऐसा करके, अरे कुछ मज़ा नहीं आ रहा ट्रैवल में, तो ऐसा सोचने वाला सिर्फ वही आदमी नहीं था, ये मुझे समझ में आ गया, ये राइटर कह रहा है। और भी बहुत कोई था वहाँ पे। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी अबाउट ट्रैवलिंग फॉर न्यूज़पेपर फॉर विच आई वर्क, जिस न्यूज़पेपर के लिए मैं काम करता था उसके लिए मैं एक स्टोरी लिख रहा था, लगभग एक साल बाद। एज इट हैपेंड आई वॉज ड्राइविंग नॉर्थ फ्रॉम एंकरेज एंड केम अपॉन अ टूर बस अलॉन्ग द शोल्डर ऑफ द हाईवे विथ इंजिन वाइड ओपन। मैं जब एंकरेज की तरफ ट्रैवल कर रहा था, जो एक सिटी है अलास्का में, मैं उधर जब ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ पे देखा कि एक टूर करने वाला जो बस है वो हाईवे के शोल्डर में, मतलब हाईवे के उस टॉप साइड में वो खड़ा है और उसका इंजन खुला हुआ है पूरा, वाइड ओपन, मतलब वो बस जो है टूर बस खराब पड़ा हुआ है। आई स्टॉप्ड, हेयर वॉज अ स्ट्रैंडेड ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, और मैं वहाँ पे रुक गया, देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रैंडेड ग्रुप ऑफ टूरिस्ट है, मतलब एक फंसा हुआ ग्रुप है टूरिस्ट का, घूमने वाले सैलानी लोग जो हैं वो लोग घूमने आए होंगे और ये बस ख़राब हो जाने के वजह से सब कोई फंस गए हैं। स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ, मतलब बस भी फंसा हुआ है और साथ में उसके टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। आई वुड इंटरव्यू देम, मैं उन लोगों का इंटरव्यू लूँगा, ऐसा राइटर कह रहा है। आई फाउंड मे बी अ डजन पीपल ऑन द बस, शायद मुझे दर्जनों लोग वहाँ पर मिल गया बस में। सम वेयर एब्जॉर्ब्ड इन कार्ड गेम, बहुत लोग कार्ड गेम खेल रहे थे। वन रीड, एक पढ़ रहा था, एंड अ कपल स्नूज्ड, और एक कपल जो था हस्बैंड वाइफ वो सो रहे थे। अनदर मैन सीम टू बी वेरी एंग्री अबाउट द डिले, लेट होने की वजह से एक आदमी दिखा कि वो बहुत गुस्सा भी हो रहा था बस में। वेयर वेर द अदर्स, और बाकी लोग कहाँ थे। द ड्राइवर पॉइंटेड इन टू द वुड्स अलॉन्ग द हाईवे, हाईवे के साइड में एक जंगल था, वुड्स मतलब जंगल था, उस तरफ ड्राइवर ने पॉइंट किया कि सारे लोग इधर ही है। आई वॉक इन टू द फॉरेस्ट ऑफ द ब्लैक स्प्रूस ट्रीज, ये स्प्रूस ट्रीज का जंगल था, ब्लैक स्प्रूस ट्रीज दैट कवर्स सो मच ऑफ द इंटीरियर ऑफ अलास्का, अलास्का में ज़्यादातर जगहों पे ब्लैक स्प्रूस ट्रीज कवर किया हुआ है जगह को। लेस देन 100 feet फ्रॉम द रोड आई फाउंड द अदर पैसेंजर सिटिंग एट द एज ऑफ द पॉन्ड, मैंने देखा थोड़ा ही अंदर जाने के पे मैंने देखा कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड के चारों ओर किनारे किनारे लोग सब बैठे हुए हैं, मतलब वो लोग वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि बस उनका ख़राब हो चुका है रोड पे, ठीक है। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्पीक, जैसे ही मैं कुछ बोलने ही वाला था, अ ओमन हेल्ड हर फिंगर टू हर लिप्स, सुश, मतलब एक ओमन जो है अपने फिंगर पे
अपने अपने लिप्स पे फिंगर लगा करके दिखाया कि चुप हो जा, चुप होने का इशारा किया। आई फॉलोड हर आईज बैक टू द पॉन्ड, मैंने उधर ही देखा जिधर वो लेडी देख रही थी, मतलब पॉन्ड की तरफ देख रही थी, मतलब सब कोई पॉन्ड की तरफ देख रहा था ध्यान से। अ बर्ड फ्लिकर्ड थ्रू द लिम्स ऑफ अ स्प्रूस, एक बर्ड आया और फ्लिक किया जो स्प्रूस ट्रीज है वहाँ पे। देयर वॉज अ बबल इन द वॉटर एट द फार एज ऑफ द पॉन्ड, और वहाँ पे बहुत बबल हो रहा था पॉन्ड के एज में। एंड अ बीवर सरफेस्ड, और बीवर, एक बीवर जो एक जानवर होता है जिसे हिंदी में उदबिलाव बोलते हैं, एक उदबिलाव है जो सरफेस पे दिखने लगा पॉन्ड के, लीविंग अ डेंटी वी पैटर्न एज इट स्वॉम, जैसे ही वो तैर रहा था तो ऐसा भी जैसा शेप बन रहा था, ऐसा भी बना करके वो तैरता हुआ जा रहा था। कौन ना, उदबिलाव, जिसको इंग्लिश में बीवर बोलते हैं, ठीक है। देन इट डाइव्ड एंड डिसअपीयर्ड अगेन, और फिर से वो बीवर जो है वो डाइव किया पानी में और गायब हो गया। क्लोजर बाय समथिंग मूव्ड बट आई कुडंट टेल व्हाट, मे बी अ स्क्विरल, सामने से कुछ क्रॉस हुआ मूव करता हुआ, लेकिन पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद एक स्क्विरल हो सकता है, गिलहरी हो सकता है। बाय अलास्का स्टैंडर्ड्स देयर वॉज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सीन, अलास्का के स्टैंडर्ड के तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा था, ये सब तो पूरे अलास्का में होता ही रहता है, पॉन्ड तो हर जगह ही है वहाँ पे। काउंटलेस नंबर्स ऑफ लिटिल पॉन्ड्स डॉट दिस फॉरेस्ट, अलास्का के फॉरेस्ट में बहुत सारा काउंटलेस मतलब अनगिनत नंबर का पॉन्ड्स भरा हुआ है। दिस वन हैड नथिंग टू टेल इट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, इस पॉन्ड में कुछ ऐसा खास बात नहीं है कि किसी को कुछ बता सके, एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस ट्रेवलर्स हैड बीन हेल्ड कैप्टिव बाय अ प्लान्ड इटिनररी, इस पॉन्ड में कुछ बताने लायक कुछ है नहीं स्पेशल, क्योंकि अलास्का में इस तरह के पॉन्ड भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ एक चीज बताने को है जो कि अलग है बाकी पॉन्ड से, क्या कि यहाँ पे सारे ट्रेवलर्स लोग जो है वो लोग फंसे हुए हैं, कैप्टिव बने हुए, मतलब बंधक बन गए हैं, जैसे कैदी बन गए हैं, यहाँ पे ये लोग कहीं जा नहीं सक रहे हैं। बाय अ प्लान्ड इटिनररी, इटिनररी मतलब जब हम लोग कोई टूर को प्लान करते हैं लिख करके, कैसे भी करके जब प्लान करते हैं यहाँ जाना है, हम लोगों को वहाँ जाना, उसको इटिनररी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग प्लान करके आए हुए ट्रैवलर है और ये लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, तो यही खास बात है इस पॉन्ड का, बाकी पॉन्ड तो वैसे ही होता है लेकिन यहाँ पे ट्रैवलर फंसे हुए हैं। तो दे हैड बीन गिवन ब्रोशर्स एक्सप्लेनिंग वेयर दे वुड गो एंड व्हाट दे वुड सी, उन लोगों को ब्रोशर्स भी दिया जाता है, ब्रोशर मतलब जो गाइड होता है कि कहाँ कहाँ हम लोगों को, आप लोगों को ले जाया जाएगा, क्या क्या चीज़ दिखाया जाएगा, क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा आपको, उन सब का एक ब्रोशर दिया जाता है टूर के पहले। दे रोज एट अ स्पेसिफाइड आवर एट अ डेजिग्नेटेड टाइम एंड बोर्ड अ बस दैट टुक देम ऑनवर्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, शेड्यूल के अनुसार उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि किस समय में उठना है, किस समय में खाना खा करके बस में बोर्ड करना है, और उसके बाद कहाँ कहाँ हम लोगों को जाना है, वो लोग कहाँ लेके जाएंगे, सब कुछ उसमें दिया हुआ रहेगा। दिस वॉज द अलास्का एडवेंचर दे पेड फॉर, और यही था अलास्का एडवेंचर जिसके लिए टूरिस्ट लोगों ने पैसा पे किया था, खर्च किया था, इस तरह का टूर जो ये प्लान किया गया था अलास्का घुमाने के लिए, तो इसके लिए ही वो लोग प्लान किया था, जिसको कहा जा रहा है अलास्का एडवेंचर। इट वॉज सो सेफ एंड डिपेंडेबल दैट देयर आईज हैड गॉन ग्लासी देयर एंटिसिपेशन डल्ड बाई प्री प्रोग्रामिंग, मतलब इतना डिपेंडेबल टूर प्लान था ये इटिनररी, इतना डिपेंडेबल था कि सबकी आंखें जो है वो मतलब रिलैक्स था, सब कोई सोने जैसा, ग्लासी मतलब सोने जैसा हाल था, एंटिसिपेशन मतलब होप, उन लोगों का होप जो था वो डल्ड बाई प्री प्रोग्रामिंग, पहले से जो प्रोग्राम वो लोग किया हुआ था वो सबसे एकदम डल था वो लोग, और एकदम अच्छे मूड में था कि हम लोग जाएंगे और ये टूर जो ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत अच्छे से हम लोगों को सारे जगह घुमा देगा। देन अ रियल एडवेंचर हैपेंड, और उसके बाद एक रियल एडवेंचर जो है वो घट गया, वो हो गया। द बस ब्रोक डाउन
सो दे वॉन्डर्ड इन टू द वुड्स, और ये बस जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, बस खराब हो गई और उन लोगों को जंगलों में घूमना पड़ा ऐसे। असली प्लानिंग तो कहीं और जा कर के घूमना था ना, लेकिन अचानक रास्ते में बस खराब हो गया, रियल एडवेंचर हो गया और इन लोगों को वुड्स में जिधर जिधर घूम करके टाइम पास करना पड़ रहा है। आई नील डाउन विद द पैसेंजर्स, वी वेटेड फॉर द बीवर्स टू सरफेस अगेन। मैं भी उन लोगों के पास घुटनों के बल बैठ गया पैसेंजर्स के साथ और वेट करता रहा कि बीवर जो है, वो जो एनिमल जो है उदबिला, वो फिर से पानी से सरफेस में आएगा। आई वॉच्ड द फ्लीट ऑफ द बिजी ब्लैक विंग्ड बर्ड। मैंने उस झुंड को देखा, ब्लैक कलर का जिनका विंग है, उनका झुंड को मैंने देखा वहाँ पे। आई फेल्ट द प्लेजर ऑफ द साइलेंस आफ्टर द लाउड मैकेनिकल रंबल ऑफ हाईवे। मुझे वो प्लेजर का एहसास हुआ वहाँ पे, वो जो शांति था वहाँ पे, उसका एहसास हुआ कि बाहर जो लाउड मैकेनिकल रंबल था, गाड़ियों का आवाज़, शोर शराबा हाईवे पे, उससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइलेंस फील हुआ, वो प्लेजर फील हुआ। माय नोज फील्ड विद स्वीट फ्रेगरेंस ऑफ स्प्रूज नीडल्स वार्म्ड बाय समर। वो जो स्प्रूज ट्रीज था, उसमें स्प्रूज नीडल्स जो था, उसके पत्ते नीडल्स की तरह होते हैं, वो समर के वजह से, गर्मी के वजह से उसका जो फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस मतलब खुशबू, उसका जो खुशबू है वो मेरे नाक को भर दिया, ये राइटर कह रहा है। और वहाँ शांति भरपूर है और स्वीट फ्रेगरेंस है स्प्रूस नीडल ट्री का। टुगेदर दीज स्ट्रेंजर्स एंड आई ड्रिफ्टेड फ्रॉम द बिजी वर्ल्ड एट आवर बैक्स टू द काम ऑफ द पॉन्ड। और साथ में, किसके साथ में, इन स्ट्रेंजर्स, ये जो अनजान लोग थे यहाँ पे, इनके साथ में आई ड्रिफ्टेड, मैं भी शामिल हो गया, मैं भी यहाँ पे इस शांति में डूब गया। ये जो पॉन्ड था, ये जो तालाब था, इसके शांति में डूब गया, बिजी वर्ल्ड से दूर आ कर के, ठीक है। आई नोटिस डिम्पल्स मेड बाई नर्वस इंसेक्ट्स ऑन द ग्लासी सरफेस ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड का जो सरफेस होता है वो बहुत ग्लासी टाइप दिखता है, उसके सरफेस पे कोई इंसेक्ट जब आता है तो ऐसा लगता है कि ऐसा राउंड राउंड बनता है, जिससे लगता है कि वहाँ पे डिम्पल बन रहा है, तो वो उसको दिख रहा था। एंड पॉ प्रिंट्स, मतलब पैर का प्रिंट, एंड पॉ प्रिंट्स इन द मड नियर बाई प्रोबेबली बिलोंगिंग टू एन एनिमल। वहाँ पे जो कीचड़ था पॉन्ड के किनारे, वहाँ पे पॉज का प्रिंट था, पॉज का प्रिंट मतलब पैर का, जानवर का पैर का जो प्रिंट था, शायद ही कोई जानवर रात को आया होगा वहाँ पे पानी पीने के लिए। दैट मेड इट्स वे डाउन इन द मूनलाइट फॉर अ ड्रिंक। द बीवर अपीयर्ड अगेन, और जो वो जानवर था बीवर, वो फिर से अपीयर्ड हुआ, फिर से दिखा, क्लोजर दिस टाइम, इस समय सामने में दिखा। वेट डार्क ब्राउन आईज लुक्ड आवर वे, परहैप्स एस्टोनिश्ड एट द अपीयरेंस ऑफ अस पीपल सिटिंग लाइक स्टैचूज ऑन द एज ऑफ इट्स वर्ल्ड। और वो जो बीवर था, जैसे ही बाहर आया, वो डार्क ब्राउन आईज था उसका, और वो हम लोगों को देखा और हम लोगों को देख करके एस्टोनिश्ड, बहुत ही चकित हो गया। उसको लगा होगा कि ये सब स्टैचू क्या है हमारे दुनिया के सामने में। अ क्लाउड पास्ड इन फ्रंट ऑफ द सन, और एक क्लाउड, एक बादल जस्ट पास हुआ सन के सामने से। द कलर्स ऑफ द पॉन्ड चेंज एंड सो इट डिड इट्स मूड, और तालाब का जो कलर था वो भी चेंज हो गया बादल के गुजरने से, और इससे हमारा मूड भी चेंज हो गया। टाइम पास्ड, हाउ मच आई कैन नॉट से, आई वॉज लॉस्ट इन द रिदम्स ऑफ द पॉन्ड ऑफ पॉन्ड लाइफ। और समय बीतता गया, मुझे पता नहीं कितना, लेकिन पॉन्ड लाइफ जो था वहाँ पे, उसके अराउंड जो सीन था, उसके अराउंड जो फीलिंग था, जो शांति था, उसमें मैं खो गया। आई टर्न बैक एंड रिटर्न टू माई कार लीविंग दिस प्लेस टू इट्स न्यू डिस्कवरीज। और मैं अपने कार में वापस बैठा, उस जगह को छोड़ता हुआ वहाँ पे निकला न्यू डिस्कवरीज के लिए। वी नेवर स्पोक, और हम लोग कभी बात नहीं किए। आई डिडेंट नीड टू स्पीक टू देम टू नो वट हैड हैपेंड टू दीज वंडरर्स। और मैंने बात भी नहीं किया, पता भी नहीं किया कि उन वो जो घूमने वाले वो लोग जो लोग थे वहाँ बैठे हुए, भटक रहे थे जो, उन लोगों का आगे क्या हुआ। सीइंग अ प्लेस, एनी प्लेस इज नॉट द सेम एज एक्सपीरियंसिंग इट। सीइंग अ प्लेस, एक प्लेस को देखना और कोई प्लेस, दोनों सेम नहीं है। एज एक्सपीरियंस इट, जैसे एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं। मोस्ट विजिटर्स आर प्रोपेल्ड
डाउन फैमिलियर, बहुत सारा जो विजिटर है उनको फोर्स किया जाता है। क्राउडेड कॉरिडोर्स एट अ फ्यूरियस पेस, बहुत तेजी से लोगों को, विजिटर को प्रोपेल्ड किया जाता है इन सब जगहों पे लाने के लिए। दे हैव टू कीप टू देयर शेड्यूल और दे वुड मिस द नेक्स्ट इवेंट। उन लोगों को अपना शेड्यूल जो है, अपना टाइम टेबल जो है वो बना के रखना होता, नहीं तो नेक्स्ट जो इवेंट है वो मिस कर जाता है। मैनी वियर द सेम जॉयलेस एक्सप्रेशन ऑफ द मैन आई फर्स्ट मेट, पीपल डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट दे कुड सी। बहुत सारे लोग जो थे वो उसी तरह से, ज़्यादातर लोग जॉयलेस थे, मतलब खुश नहीं थे, जैसा कि जो पहला आदमी मुझे मिला था उस तरह का। और लोग जो है एक दूसरे से अलग हो जाते थे जैसे मिलते थे। बट दीज पैसेंजर्स हैड स्टेप्ड ऑफ द बस एंड ऑन देयर ओन दे हैड एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड द प्लेस दे केम टू सी। आई चेक्ड माई मैप, द लिटिल पॉन्ड वॉज नॉट इवन सोन विच मेड इट ऑल द स्वीटर। और ये जो पैसेंजर्स थे, बट दीज पैसेंजर्स हैड स्टेप्ड ऑफ द बस, और ये बस से उतर गए थे, ये जो पैसेंजर्स जो थे बस खराब हो जाने की वजह से बस से उतर गए थे, और वो लोग खुद ही जंगल में चले गए और पॉन्ड के आसपास बैठ करके एक्सपीरियंस किया, एक नया एक्सपीरियंस लिए वो लोग। एक्सपीरियंस द प्लेस दे केम टू सी, जैसा वो लोग देखने के लिए आए थे। और मैंने मैप भी देखा, राइटर कह रहा है मैंने मैप भी चेक किया, ये जो लिटिल पॉन्ड है ये कोई मैप में दिखाया भी नहीं गया है। विच मेड इट ऑल द स्वीटर, जो उनके उनका जो बिगड़ता हुआ जर्नी था, उनका जो बिगड़ता हुआ ट्रिप था, उसको बहुत स्वीट बना दिया। क्योंकि बस तो ख़राब हो गया था, उनका जर्नी तो बिगड़ ही गया था, ख़राब होने को था, ट्रिप ख़राब होने को था, प्लान फेल होने को था, लेकिन इतना सुंदर जो ये दृश्य था, इतना सुंदर इन्वायरमेंट मिला पॉन्ड के आजू बाजू में, जिससे उन लोगों का ट्रिप जो है वो लगभग सक्सेसफुल दिखने लगा, बस ख़राब होने के बावजूद भी। तो ये स्टोरी था, ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड, ताकि आने वाला वीडियोस भी आपको मिल पाए और मुझे एक मोटिवेशन मिल पाए, ताकि मैं आपको आगे भी अच्छे से पढ़ा पाऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।